मिर्जापुर से एकमात्र महिला विधायक यानी पूरे जिले से हैं सुचिस्मिता मौर्य। इस समय खाना बना रही हैं अपने किचन में क्योंकि परिवार के लिए खाना बनाना है। बड़ा परिवार तो वोटर है और पूरी जनता है उनके क्षेत्र की, मझवा क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन इस बार के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं आप ही बता दीजिए। घर में जितनी तेज तैयारी है उतनी ही वोट के लिए भी तैयारी है। जी हाँ बिल्कुल, जितनी घर में तैयारी है उतनी अपने क्षेत्र के लिए भी तैयारी है। बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं, निश्चित तौर पर हमारी जनता इसको मानती भी है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो कार्य बहुत सालों तक लंबे थे वो भी हमारी भाजपा सरकार ने पूर्ण किए हैं। लेकिन अब विरोधी पक्ष का तो कहना है, सपा और बसपा का, कि बहुत ही कमजोर शासन है और महिलाओं को तो सुरक्षा मिलती ही नहीं है राज्य में। ये उनका भ्रम है और ये अपनी स्थिति वो बता रहे हैं कि महिलाओं को नहीं सुरक्षा मिलती है, जबकि योगी शासन में मैं कहूँगी कि आज कोई भी बिंदास लड़की है या औरतें हैं वो मतलब किसी भी डर के बिना देर तक शादी पार्टी भी अटेंड कर रही हैं, आराम से कोचिंग भी जा रही हैं, स्कूल से भी आ रही हैं और सभी तरह से महिलाएँ सुरक्षित हैं और सशक्त भी हुई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस और चूल्हा दिया सबको, गैस के दाम जो हो गए हैं आप तो बना ले रही हैं, लेकिन आप ही के वोटर इलाके के वोटर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं गैस का रिफिल। क्या कर रही है आपकी सरकार इसके लिए? जी नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और किया भी है कि सभी लोगों को निशुल्क गैस वितरण किया है और आज स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई गैस सिलेंडर ना भरा सके, इतने भी दाम हाई नहीं है और वो उनकी थोड़ी हैबिट होगी या कुछ ऐसा, उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना है और इस पर महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई की मार आप अपने किचन में झेल रही हैं कि नहीं? जी नहीं। क्या कारण है? आप जनता जो परेशान है उससे बेखबर हैं या नज़रअंदाज कर रही हैं? नहीं, कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर रही और बेखबर भी नहीं हूँ। गैस के प्राइस ऐसे कोई हाई नहीं हुए हैं कि जिससे कि हम सभी लोग गैस सिलेंडर ना यूज़ कर सकें, बल्कि ये शासन काल में तो इतने गैस सिलेंडर दिए गए हैं। अभी निश्चित तौर पर मैंने ही 2 दिन पहले ही 11 महिलाओं को अपने निःशुल्क गैस वितरण कराया है। जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये कि तरक्की के लिए ज़िला कुछ मामलों में, कई मामलों में पीछे रह गया है, कितना सहमत है इस बात? मैं पूरे अगर जनपद मिर्ज़ापुर को देखती हूँ तो कहीं भी हम लोग विकास कार्य में पीछे नहीं हैं, क्योंकि आज मिर्ज़ापुर जनपद को ना सिर्फ विंध्य कॉरिडोर मिला है बल्कि हम यूँ कहें कि मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, सैनिक स्कूल मिला है, केंद्रीय विद्यालय मिला है, कई सारे पुल और पुलिया मिले हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो ऐसा पुल जिसके ऊपर सिर्फ राजनीति होती रही, बार बार शिलान्यास होते रहे लेकिन कभी उस पुल को किसी सरकार ने बनाया नहीं। इवन भटौली का पुल हो चाहे बेलवन का पुल हो, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के आते ही ये दोनों पुल बिना किसी रुकावट के वो पूर्ण हो चुके हैं, लोकार्पित हो गए हैं, उससे हमारी जनता बहुत खुशहाल है। जनता तो खुशहाल है लेकिन वोटर के पास वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर जाएंगे इस बार वोट के लिए? और अधिक विकास, विकास और विकास। विकास की तलाश हर नेता को है, हर जनता को है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसके आधार पर कम से कम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर लड़ा जाएगा, लेकिन फैसला जनता ही करेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिर्जापुर, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।